हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पीएलसी के बारे में, जिसका कि फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होता है, तो यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको कि सेवरल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है। या तो पीएलसी के बारे में शॉर्ट नोट्स दे दिया है, नहीं तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखने को दिया है। लेकिन हम उस पीएलसी के जो टॉपिक कल का था, उसमें हम लोग पीएलसी के बारे में देखे थे, उसका कंस्ट्रक्शन भी देखे थे, वर्किंग भी देखे थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, मतलब ओवरऑल एक व्यू हम पीएलसी के बारे में ले लिए थे। उसी तरीके से आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग स्टेपर मोटर के बारे में जानेंगे। तो स्टेपर मोटर भी आपके एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी हम लोग मतलब लगभग इसको शॉर्ट नोट ही पूछता है, तो हम शॉर्ट नोट्स के बारे में ही लिखेंगे, इसमें शॉर्ट नोट लिखेंगे स्टेप मोटर के बारे में। लेकिन उसमें सारे कुछ को हम डिस्कस कर देंगे, कंस्ट्रक्शन को भी करेंगे, वर्किंग को भी करेंगे, एडवांटेज को भी करेंगे, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, इन सारे टॉपिक को हम लोग इसमें डील करेंगे। स्टेपर मोटर के जितने भी पॉइंट है इसको डील करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट एग्जाम ओरिएंटेड सेशन करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने उस पे वीडियो बनाकर उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो है उसको भी हमने डिस्कस करके इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, एक बार जरूर देखें, इससे आपको एग्जाम में 100% कुछ ना कुछ 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज अपनी वीडियो की ओर चलते हैं, स्टेपर मोटर को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टेपर मोटर के बारे में, स्टेपर मोटर होता क्या है। जैसा कि इसका नाम में आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ स्टेप, स्टेप मतलब क्या होता है कि एक छोटी दूरी, जैसे हम पैर से अगर कहीं चलते हैं तो जो एक कदम हमारा होता है उसको हम लोग 1 फुट स्टेप कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर स्टेपर मोटर जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट नहीं करता है, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में बहुत सारे स्टेप वो फॉलो करता है, स्टेप पर वो चलता है। मतलब एक रिवॉल्यूशन के अगर कर रहा है, वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो है वो 4 स्टेप, 6 स्टेप, 8 स्टेप, उसके प्रोग्रामिंग के अनुसार वह उतना स्टेप फॉलो करता है, उतना स्टेप फॉलो करके वह एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है। इसमें खासियत क्या है, यह जो है वो ब्रशलेस मोटर है, जहां पर भी ब्रश रहता है उस केस में क्या होता है कि वहां पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है और किसी तरह का लॉसेस वहां पर होने लगता है। लेकिन यहाँ पर ब्रश नहीं है तो यहाँ पर लॉसेस स्पार्किंग नहीं होगा, तो लॉसेस थोड़ा कम होगा। तो यह इसका कुछ एडवांटेज है, यह ब्रशलेस मोटर है। साथ ही साथ यह जो स्टेपर मोटर है वह सेम टू सेम सिमिलर है स्विच रिलक्टेंस मोटर की तरह। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले स्टेपर मोटर के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देते हैं कि इसका रोटर जो होता है, यहाँ पर आप रोटर देख रहे हैं, यह रोटर जो होता है वह परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ होता है, जबकि स्टेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से कैसे, तो स्टेटर पर जो है इसका हम लोग बाइंडिंग को करते हैं, क्वाइल लपेटते हैं, उस क्वाइल में जब हम करंट पास करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाता है। और आपको पता होगा कि किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए, मोटर के केस में अगर मोटर के रोटर को रोटेट करना है, तो मिनिमम हमको 2 मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये स्टेटर दे देता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये रोटर दे देता है। रोटर से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है, स्टेटर से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। जैसे ही 2 मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आ जाता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि रोटर को रोटेट करने पर मजबूर कर देता है, रोटर जो हमारा है वो रोटेट करने लगता है। तो यह इसका कुछ हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताएं। आप देखिए वर्किंग में इसमें कैसे हम काम करते हैं, तो इसके जितने पोल होता है, हर एक पोल का जो बाइंडिंग होता है उसको हम अलग स्विच से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे बाइंडिंग जो है उसके लिए अलग अलग हम लोग स्विच का प्रयोग किए हैं, जितना बाइंडिंग है सबके लिए हम लोग अलग अलग स्विच का प्रयोग किए हैं। तो इसके इससे क्या फायदा होता है कि जैसे ही हम यह जो है पहला बाइंडिंग जैसे एस ए को हम लोग ऑन करेंगे, तो उस कंडीशन में यह जो सर्किट है एस ए का पहला ये जो पोल है, यहाँ पर देखिए कंप्लीट यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही यह सर्किट कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इससे करंट फ्लो होगा, और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्थ बन जाता है और यहाँ पर साउथ बन जाता है। और आपको पता होगा कि रोटर जो हमारा है वो परमानेंट मैग्नेट का है, तो परमानेंट मैग्नेट होने के कारण यहाँ पर यह जो होता है वो नॉर्थ बन जाता है और यहाँ पर यह साउथ बन जाता है। अब जब साउथ और नॉर्थ हो जाएगा तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो पहले अगर रोटर यहाँ था इस पोजीशन पर तो अट्रैक्शन होकर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में जैसे ही हम ये जो बी पॉइंट है या एस बी स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बी का सर्किट। और जैसे ही यह सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर से यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पर साउथ बन जाएगा। नॉर्थ साउथ बनने के कारण क्या होगा, यह जो था वो क्या था, नॉर्थ था यहाँ पर, यहाँ पर यह साउथ था।
फिर से अट्रैक्शन होगा और रोटर जो हमारा इस तरह के मूव कर लेगा। फिर जैसे हम इसको सी को हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर से यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ से साउथ बनेगा, और आपको पता था कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ है, तो उस कंडीशन में फिर से यह जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होगा और यह रोटर जो है अब की बार इधर की ओर बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम समझाना चाह रहे हैं कि वर्किंग इसका इस तरीके से है। अब हम सबसे पहले जानते हैं स्टेपर मोटर के बारे में, जो पॉइंट हम लिखे हैं उसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि स्टेपर मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। स्टेपर मोटर क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है और मैकेनिकल पावर को देता है आउटपुट के फॉर्म में। उसके बाद कह रहा है देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ब्रशेस, इसमें किसी तरह का ब्रशेस नहीं होता है जिसके कारण सो इट इज ए ब्रशलेस मोटर, इसीलिए इसको हम लोग ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इट इज सिमिलर टू स्विच रिलक्टेंस मोटर, यह जो होता है वो सिमिलर मतलब सेम टू सेम होता है स्विच रिलक्टेंस मोटर की तरह। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया स्टेपर उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया है कि हेयर द वर्ड स्टेपर इज यूज, यहाँ पर वर्ड जो स्टेपर यूज किया गया है क्यों, बिकॉज दिस मोटर रोटेट थ्रू अ फिक्स्ड एंगुलर स्टेप, यह जो मोटर होता है वो फिक्स्ड एंगुलर स्टेप पर मूवमेंट करता है, रोटेट करता है इन रेस्पॉन्स टू ईच इनपुट करेंट रिसीव बाय इस कंट्रोलर, जो भी इनपुट करेंट इसके कंट्रोलर इनपुट करेंट पल्स जो है इसके कंट्रोलर के द्वारा इस मोटर को दिया जाता है उसी पल्स के आधार पर यह फिक्स रोटेशन फिक्स एंगुलर स्टेप में रोटेट करता है। तो यह अब इसके बारे में, अब इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेपर मोटर इज फेयरली रिलेटेड टू डीसी मोटर, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लगभग लगभग सेम होता है डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शन के तरह। उसके बाद कर आई किट इंक्लूड परमानेंट मैग्नेट, यह जो है परमानेंट मैग्नेट इसमें होता है लाइक रोटर, इसका रोटर जो होता है वो क्या होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है विच इज मिडिल एंड इट विल टर्न वंस व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट। आप देखे होंगे कि रोटर इसका जो था क्या था मिडिल में था परमानेंट मैग्नेट का, तो यह जो है उसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वो रोटेट होने लगता है। क्या कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द रोटर इज इनक्लोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेटर, इसका जो रोटर होता है वो बहुत सारे स्टेटर से कवर्ड होता है, जैसे कि आप पीछे फिगर में देखे थे कि पीछे हम जो आप फिगर दिखाया उसमें चार स्टेटर से रोटेटेड है। उसके बाद कर रहा है कि एट दैट स्टेटर मैग्नेटिक कॉइल इज वुंड, और वही स्टेटर पर क्या होता है मैग्नेटिक कॉइल या पोल कह सकते हैं, स्टेटर का जो पोल होता है उस पर मैग्नेटिक कॉइल जो होता है वो वुंडेड होता है, मतलब उस पर घेरा हुआ लगाया हुआ होता है। उसके बाद कह रहा है द मूवमेंट ऑफ रोटर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेटर, इसका जो रोटर का मूवमेंट होता है वो स्टेटर से ही कंट्रोल होता है, क्योंकि जितना पल्स का हम लोग उसमें करंट देंगे उस अनुसार वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जैसे जैसे उसका पोल जो है वो चार्ज उसमें करंट जाएगा वैसे वैसे वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और वहां पर रोटेशन होगा। नेक्स्ट कह रहा है द स्टेपर मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनर्जाइजिंग एवरी स्टेटर वन बाय वन, स्टेटर मोटर का जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, हम वन बाय वन करके उसको इनर्जाइज कर रहे थे, जैसे S1 स्विच को ऑन कर रहे थे तो पहला पोल था वो इनर्जाइज हो रहा था, S2 को कर रहे थे दूसरा पोल इनर्जाइज हो रहा था, तो उसी तरह से वन बाय वन करके हम सारे स्टेटर पोल को जो है वो इनर्जाइज करते हैं, जिसके कारण क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए कर रहा है विल मैग्नेटाइज एंड वर्क लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल विच यूजेज रिपल्सिव एनर्जी ऑन द रोटर टू मूव फॉरवर्ड, वहां पर क्या होता है वो रिपल्सिव एनर्जी मोटर का वहां पर आता है जिसके कारण कि वो मोटर का रोटर जो है वो रोटेट करने लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेटर मोटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है, जो कि आप देखे होंगे कि एक जो था फिक्स्ड मैग्नेट था और एक जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेट था, और वहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण वहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया था और वह टॉर्क के कारण जो हमारा रोटर था वो रोटेट हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इंक्लूड अ रोटर विच इज मेड अप विद परमानेंट मैग्नेट वेयर एज स्टेटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका रोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ होता है और स्टेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है। वंस दी सप्लाई इज प्रोवाइडेड, जैसे ही हम सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं उसमें टू द बाइंडिंग ऑफ स्टेटर, स्टेटर के बाइंडिंग में देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप, मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप हो जाता है विद इन द स्टेटर, स्टेटर में नाउ रोटर इन द मोटर विल स्टार्ट, और रोटर का जो मोटर होता है वो मोटर का जो रोटर होता है वो स्टार्ट कर देता है टू मूव विथ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑफ द स्टेटर, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारा रोटर का मोटर का जो रोटर होता है वो स्टार्ट कर देता है मूव करने के लिए उसी के डायरेक्शन में। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा है कि इसके टाइप कितने होते हैं, तो देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर के लगभग तीन मेन टाइप होते हैं, जो कि होता है एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, दूसरा होता है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, तीसरा होता है हाइब्रिड सिंक्रोनस मोटर। तभी इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर जो होता है यह फॉर एवरी रिवॉल्यूशन इट है 24 to 48 स्टेप, हर एक रिवॉल्यूशन मतलब एक जो ये रोटेशन करता है उसमें कम से कम ये
24 से 48 स्टेप ले सकता है, मतलब 24 से 48 बार ये रुक रुक कर मूवमेंट दे सकता है एक रोटेशन में। उसके बाद दूसरा आता है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मोटर है वो हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर होता है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का भी गुण होता है और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का भी गुण होता है, तो दोनों गुण होने के कारण यह बहुत ज्यादा पॉपुलर मोटर है। इसका यूज हम लोग करते हैं लेस स्टेपिंग एंगल के लिए। लेस का एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जान लेते हैं, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग इंडस्ट्रियल मशीन में करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस में करते हैं, मेडिकल फील्ड में करते हैं, रोबोटिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी करते हैं, तीन सारे इक्विपमेंट में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसके आने से हमारे इंडस्ट्री में जितना भी ऑटोमेशन का कार्य है वहां पर जो मोटर हम इसका यूज करने से ऑटोमेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, और हमारा जो कोई काम जो हम मैनुअली करते थे उसको करने में हमको ज्यादा समय लगता था, उस काम को करने में अब हमको बिल्कुल कम समय लगता है, और साथ ही साथ मैन फोर्स की या मैन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, जो कि है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि पूछता है। इसमें देखिए एडवांटेज में क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इसका लो मेंटेनेंस होता है, इसमें रिलायबिलिटी जो है वो हाई है, इसका रिलायबिलिटी हाई है, और एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग। इसका जो रिस्पॉन्स होता है स्टार्टिंग का, स्टॉपिंग का और रिवर्सिंग का, दोनों तीनों जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इट कैन वर्क इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसमें किसी तरह का फीडबैक नहीं होता इसलिए ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता है। जैसे इसमें पल्स आएगा उस पल्स के अनुसार ये रोटेट करेगा, इसके पास कोई भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा हुआ है। द मोटर हैज फुल टॉर्क एट स्टेनलेस स्टील, जब मोटर रुका हुआ कंडीशन में होगा स्टेनलेस स्टील कंडीशन में, तब उस समय में यहाँ पर जो है वो मोटर में सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। द रोटेशन एंगल ऑफ मोटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट पल्स, इसका रोटेशन जो होता है मोटर के रोटेशन, मतलब मोटर के रोटर का जो रोटेशन होता है वो टोटली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके इनपुट में कितना पल्स गया, जितना उसमें पल्स जाता है उस अनुसार वो रोटेट होता है। तो ये कुछ इसका एडवांटेज था। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इफिशियंसी इसका जो होता है वो लो होता है, एक्यूरेसी जो इसका होता है वो भी लो होता है, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ नहीं है तो इसका एक्यूरेसी तो लो होगा ही। और उसके बाद कह रहा है कि इट यूजेज मोर करेंट एज कम्पेयर्ड विद डीसी मोटर, यह जो है डीसी मोटर से ज्यादा करेंट लेता है, क्योंकि इसमें एक कंट्रोलर सर्किट हम लगाए हैं तो कंट्रोलर सर्किट भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा, तो इस कंडीशन में क्या आता है कि यह मोटर जो है वो ज्यादा करेंट का उपयोग करता है। फीडबैक इसमें अवेलेबल नहीं है, इसी के कारण फीडबैक अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हमारा अगर किसी तरह का फॉल्ट होगा, किसी तरह का उसमें दिक्कत होगा, आउटपुट अगर हमको सही नहीं भी मिलेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा है ऑपरेशन ऑफ दिस मोटर इज नॉट इजी, इसका ऑपरेशन आसान नहीं है, एट वेरी हाई स्पीड पर इसका ऑपरेशन नहीं, मतलब बहुत दिक्कत होता है इसका ऑपरेशन में। इसका जब यह काम करता है, जब यह वर्किंग कंडीशन में होता है तो इससे बहुत सारा नॉइज निकलता है, तो इसलिए एक्सट्रीमली नॉइज है, यह बहुत नॉइज करता है। एक्स्ट्रा कॉस्टिंग फॉर कंट्रोल सर्किट, जब हम इसमें कंट्रोल सर्किट लगाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ जाएगा, जिसके कारण कि मोटर जो है वो महंगा पड़ जाता है। तो यह आज का हमारा सेशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक मिला जुला के लगभग नॉलेज आपको स्टेपर मोटर का मिल गया होगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपने दिमाग से, अपने कौशल से आप बहुत अच्छी तरीके से इन सारे पॉइंट को आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक बार और आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये रोटर है, तो वही दूसरा पॉइंट जो कह रहा था उसमें यही कह रहा था कि जो इसका रोटर जो होता है वो मोटर के पूरे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके मिडिल में होता है और शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, और इसका रोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ होता है, जबकि स्टेटर जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू इसको जनरेट कराते हैं। उसके बाद इसका वर्किंग में क्या है कि जैसे ही हम स्विच वन S1 को ऑन करेंगे तो यह इनर्जाइज हो जाएगा, SB को ऑन करेंगे तो यह इनर्जाइज हो जाएगा, SC को ऑन करेंगे तो यह इनर्जाइज हो जाएगा, कौन सा देखिए ये इनर्जाइज हो जाएगा, और SD को ऑन करेंगे तो यह इनर्जाइज होगा। जैसे जैसे इनर्जाइज होगा सब पर नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा, जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, देखिए सब जगह नॉर्थ साउथ बन जाएगा। जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे, जैसे स्विच वन S1 को ऑन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ बन जाएगा, और यह जो रोटर है वो कुछ इस तरीके का होता है रोटर, तो यहाँ पर ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर ये साउथ होता है। तो देखिए अब हमको इस रोटर के पोजीशन को यहाँ पे लाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, SB को ऑन करेंगे। जैसे ही हम SB को ऑन करेंगे तब क्या होगा कि SB को ऑन करते ही यहाँ पर इनर्जाइज हो जाएगा, जैसे ही इनर्जाइज होगा तो यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ बन गया, और यहाँ पर ये क्या है नॉर्थ है तो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो रोटर हमारा मूव होकर इधर की ओर आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा। इसी तरीके से यह वर्क करता है।
तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।